हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है और काफ़ी टाइम से इसका जो है रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिप फैट, बिकॉज हर जगह का फैट चला जाता है लेकिन हिप का फैट जाने में कहीं ना कहीं आप सबको प्रॉब्लम होती है, या फिर आप लोअर एक्सरसाइज वीक में 3 बार करो तब वो फैट जाता है। लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ये चीज़ आपको अगर आप नॉर्मल इन द सेंस कि जंक फूड अवॉइड करोगे और सिर्फ घर का खाना खाओगे और उसके साथ ये चीज़ आप फॉलो करोगे, तो यकीन मानिए 1 से 1.5 महीने में आपका हिप फैट पूरी तरह से चला जाएगा। और ये क्या करेगा, ये वहाँ के जितना भी फैट है पहले तो उसको ब्रेक करेगा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 से 1.5 महीना। वहाँ के फैट को थोड़ा सा ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद देन वो आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है कि फैट को तोड़ना होता है, क्योंकि जो जिस भी स्थिति में वो जमा होता है हमारी बॉडी में इतना टाइटली चिपका होता है कि उसे हमें तोड़ना ही पड़ता है, बिना तोड़े वो फैट बॉडी से नहीं निकलेगा। तो ये जो मैं आज आपको चीज़ बताऊंगी, ये स्पेशली पहले उसको तोड़ेगा, 5 to 6 days में वो पूरा तोड़ देगा, देन उसके बाद धीरे धीरे वो हिप फैट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि बहुत ही भद्दा लगता है जब हम जीन्स पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं, इवन ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं लेडीज़ ही बता रही हूँ, जीन्स को प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं। और अगर आपका लोअर पोर्शन काफ़ी बढ़ जाता है तो आपके घुटनों में दर्द रहता है, होल बॉडी आपको काफ़ी पेनफुल रहती है और मैं बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। आई थिंक उतना तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती जितना आप लोग उसे झेलते हो। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, हिप फैट कैसे कम करना है तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए हल्का सा गर्म पानी, बहुत गर्म नहीं चाहिए, और चाहिए आपको किसी भी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर विद मदर वाला लीजिएगा, और उसे पहले शेक करना है ताकि जो भी नीचे एक्सट्रैक्ट है वो निकल आए। और साथ ही साथ आपको लेना है 4 tablespoons एप्पल साइडर विनेगर। और इसके बाद आपको लेना है 2 tablespoons अदरक का जूस। ये दोनों चीज़ें मिला के आपको खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद आपको लेना है और रात के खाने के बाद लेना है। खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर अवॉइड करिए, वरना आपके पेट में जलन हो सकती है, गले में जलन हो सकती है, और आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा पूरे दिन आपको पेट में जलन रहेगी और आप कुछ खा नहीं पाओगे। तो हमेशा दोपहर के खाने के बाद और डिनर में खाने के बाद आपको लेना है। जो लोग ऑफिस गोइंग हैं वो ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है काफ़ी हाई होता है, वो ऑटोमेटिक आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और फैट नहीं चढ़ेगा। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो हमारा स्लो होता है वो रात में होता है या फिर दोपहर में होता है, 2 बजे के बाद। तो इसलिए बोला जाता है लंच हमेशा 12 बजे तक कर लीजिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो इस तरह से अपने मेटाबॉलिक रेट को हाई करेंगे, अपने खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी में फैट बिल्कुल नहीं चढ़ने देंगे, इवन ये आपके फैट को जो है ब्रेक डाउन करके उसे बॉडी से बाहर निकालेगी। तो इसका जो फंडा है वो लेने का इसीलिए मैंने दोपहर और रात को बोला है हमेशा। तो इस तरह से आप लीजिए और देखिए किस तरह से आप बहुत ही जल्दी अपना हिप फैट चुटकियों में दूर करते हैं। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विक है, ना ही आपको कोई झंझट करना है ना ही कुछ करना है, और ये धीरे धीरे आपके फैट को क्योंकि सबसे ज्यादा जिद्दी फैट हिप फैट का ही होता है, तो उसको ब्रेक डाउन कर करके आपकी बॉडी से निकाल देगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।